हमारा इधर क्या है कि 60 के बाद ऐसा लगता है लाइफ खत्म हो गया। फिर जब से हम लोग इधर आया तब से हम लोग ये सोच रहे हैं ये क्या है। लाइफ इज अ वाइंडिंग रोड, मेरा सब कुछ चोरी करके बैठा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं खुशी का स्कूल जाने के लिए। खुशी का लंच बॉक्स रेडी कर रहा है। एक बार दिखा दो, वही वेजिटेबल एग फ्राइड राइस आज वही बनाया। और आज है ना खुशी के लिए बहुत स्पेशल डे, हमारे लिए भी, क्योंकि खुशी का स्कूल में लास्ट ईयर है ना। आज क्रिसमस कॉन्सर्ट है उन लोगों का, उनकी क्लास का, तो सब पेरेंट्स अलाउड है, तो हम लोग दोनों जा रहे हैं आज देखने के लिए उसका। आज अंजू ने बताया वैसे कि आज लास्ट ईयर स्कूल में है। बीच में क्या ना, ये प्रोग्राम लास्ट वीक होने वाला था। खुशी बहुत रोई है, उसको बहुत इच्छा, बहुत टाइम से वो प्रैक्टिस सब कर रहे थे, कोरोना हुआ, फिर वो सब हो गया तो है ना जा नहीं पाए हम लोग। हाँ, संतोष ने बोला हम लोग इस बार लेके नहीं जाएंगे, सॉरी करके बोलते। खुशी बोला आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं, आपका कोई गलती नहीं है, ऐसा करके फिर बाथरूम गई, बाथरूम में इतनी रोई, फिर आई हेट यू कोरोना। हम लोग को इतना तकलीफ हुआ है। फिर हम लोगों ने सोचा है घर में ही एक ना हम लोगों ने कॉन्सर्ट करेंगे। हाँ, लेकिन फिर मैंने सोचा एक बार मेल चेक करते हैं। मेल चेक किया तो है ना बहुत जनों को ये कोरोना की वजह से उनको पूरा प्रोग्राम कैंसिल, मतलब रीशेड्यूल करना पड़ा, कैंसिल। हाँ, उनके क्लास में बहुत सारे बच्चे लोग, मैं बोला ना मैक्सिमम बच्चे लोग को हो गया उनके क्लास में, उनका स्कूल में ऐसा बोल सकते हैं, इसलिए फिर वो चेंज कर हमेशा है ना स्कूल के अंदर होते हैं ये प्रोग्राम, लेकिन इस बार ग्राउंड में, क्योंकि रूम के अंदर सेफ नहीं है ना, इसलिए ग्राउंड में वो लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। सिर्फ ईयर वन और ईयर टू का बच्चे लोग का ही, सिर्फ रिसेप्शन और ईयर वन का बच्चे लोग का ही रूम में कर रहे हैं। मैडम उधर प्रैक्टिस कर रहे हैं। खुशी का स्कूल में गया प्रोग्राम है ना मस्त था, मतलब थोड़ा क्या बोलूँ, ये लास्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर से पता नहीं ये सब नहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा है ना। हाई स्कूल में पता नहीं, चुंगसी का तो हम लोग नहीं देखा, वो लड़का बताते भी नहीं है। इस बार पेरेंट्स टीचर मीटिंग था, तभी भी बोला नहीं आप आने की जरूरत नहीं है, मैं पेरेंट टीचर मतलब क्या बोलते हैं, खुद ही चले जाऊंगा। हाँ, अभी कुछ ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। हाँ, एक ही लास्ट मीटिंग है। हाँ, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं ना, इसलिए मैं अकेले सब कुछ संभालना है ना, ऐसा डायलॉग बोला उसने। लेकिन खुशी ऐसा नहीं है, पता नहीं बच्चा कितना जल्दी बड़ा हो रहा है। उसी के बीच में क्या हुआ है, हम लोग मायके घर जाना पड़ा है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला है ना, कोविड के बीच में मुझे यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया, वो अभी भी ठीक नहीं हुआ है, फिर मायके घर जाना पड़ा। और उधर हम लोग हमारा नया टेनेंट को देखा है ना? हमारे घर में जो पुराना घर था वो रेंट पे चला गया। हाँ, तो जो नए लोग रह रहे हैं वो उनको देखा, और एक और नेबर को देखा, वो लोग बोल रहे थे माइक आप लोग को बहुत मिस कर रहे हैं। हम लोग को भी मालूम है, हम लोग भी बहुत मिस कर रहे हैं। अभी हम लोग रहते हैं ना उधर का भी नेबर सब अच्छा है। अभी हम लोग जा रहे हैं चुंगसी का फोन लेने के लिए, उसका फोन खराब हो गया, वो मेरे फोन लेके गया कल। सारा आ गया है, मौके का फायदा उठाया मैंने। ये बस अच्छा है ना, अच्छा है ना, आपसे पूछ रहे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बुश जैसा लग रहा है, नहीं थोड़ा और मोटा लग रहा है। शॉपिंग करने के लिए गया उधर, मुझे कुछ पसंद आया वो संतोष को पसंद नहीं आया, संतोष को जो पसंद आया मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए फिर छोड़ देते हैं। मैंने बोला श्रुति के साथ आकर दूसरा दिन शॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन अच्छा कलेक्शन है सारा में। अभी MNS आया है, देखो देखते हैं, कुछ कॉफ़ी केक कुछ खाएंगे। देखो ये नया है, ये ले लेते हैं। कौन सा फ्लेवर है ये? इंस्टा आते तो ना बहुत सारा जगह ढूंढते हैं, हाँ इधर खा लेते हैं, इधर उधर खा लेते हैं, लेकिन सबसे लास्ट मैंने MNS में ही आता है, क्योंकि इधर का एटमोसफियर ही कुछ अलग है। मैक्सिमम इधर एजर लोग आते हैं और उन लोग टाइम स्पेंड करते हैं ना, वो देखकर ऐसे बैठने में इतना अच्छा लगता है, पूरा फ्रेंड्स लोग साथ में आते हैं। हमारा इधर क्या है कि 60 के बाद ऐसा लगता है लाइफ ख़त्म हो गया, सब लोग घर के अंदर किचन में ही होते हैं, बाहर मेरा नानी का मुझे याद है घर से बाहर ही नहीं निकलते थे,
हम लोगों का, मेरा और संतोष का है ना, ऐसा डिस्कशन हो गया था इंडिया में ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग एक 8:30 बजे MNS आकर कॉफ़ी पिया था ना, खुशी का एग्ज़ाम के दिन, तब संतोष बोल रहा है इंडिया में वो कितना भी है लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता है ना, क्यों आपने वो बोला है ना? कहीं पे बोले सिटी वगैरह में हो तो बात अलग है कि किसी शॉपिंग मॉल में चले गए और वहाँ पे कॉफ़ी शॉप पी लिया, लेकिन अदरवाइज तो मतलब जैसे अपना गांव में है, विलेजेस में तो एक कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतलब वहाँ पे आदमी मतलब जाएगा बाहर धूल ये चल रहा है, गाड़ी चल रहा है, तो उन्होंने मोटिवेशन तो कहीं पर जाके धूल सब गांव में नहीं है, सिटी में होता है वो सब प्रॉब्लम है, गांव में हमारे घर पे उधर तो प्रॉब्लम है ना, नहीं हमारे उधर का कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे उधर क्या है ना, कोई भी हाथ पकड़ कर वॉक भी किया तो बोलेंगे देखो हस्बैंड वाइफ, मतलब सब लोग ऐसे घूट कर देखेंगे जब हमारा शादी हो गया था ना, संतोष हमेशा ना हाथ पकड़ कर वो करता है, मतलब मुझे थोड़ा अजीब सा लगता था हाथ पकड़ कर वो कर, अभी तो आदत हो गया अभी, लेकिन हम लोग हाथ पकड़ लिया तो छोड़ने के लिए है हमारा चुनसी। अभी अंजू गई है खुशी को लाने के लिए, अभी लेके आती होगी, आज खुशी का स्कूल छुट्टी हो रहा है क्रिसमस हॉलीडे के लिए, तो आज 2 घंटे पहले ही छोड़ रहे हो तो, और वो काफ़ी एक्साइटेड थी आज, क्योंकि उसने ना कल उनका स्कूल में उन्होंने पाई कुछ बनाया है, तो एप्पल पाई था या नॉर्मल पाई है कुछ तो बनाया है, तो उसके लिए भी काफ़ी एक्साइटेड है कि आज वो जाएगी खाएगी, और लेकिन 2 घंटे पहले स्कूल छूट रहा है ना, तो और भी ज़्यादा खुशी था, तो गंजू अभी आएगी तो इसलिए मैं थोड़ा सा चाय बना लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो मैंने चाय के लिए रखा है हुआ है, वेलकम 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 एवरीबॉडी से वेलकम स्पेशल डिलीवरी सेट, इज दिस पाई कमिंग होम? Huh. Is it a pie coming home? Huh. You got it right. You got it right, man. I got it right. Yeah. Can you close the door behind you, please? Think so, ma'am. Nahin. Nahin aaya hai abhi tak koi hi. इनसे आने के पहले मुझे आज ब्लॉग एंड करना है, क्योंकि वो उसने बोल कर गया है, वो जिम गया है, वो कैमरा लेके जाना चाहता है ना, हाँ उसका आज सारा फ्रेंड्स लोग मिलके एक फ्रेंड के घर जा रहे हैं, फिर उधर वो लोग पॉडकास्ट बनाएंगे। No, they don't have a fan. I should be doing that. Yeah. सब जैकेट वगैरह सब नहीं है रखा हुआ है। नहीं अंदर डालना है। नहीं पहले मास्क खोल लेते हैं, दो मास्क। कैसा ठंडा, तुम ग्लव्स वगैरह पहन के गए? हाँ ठंडा ठंडा था, लेकिन एक ही ग्लव्स था मेरे पास। This is the pie. Is it a, which pie is it? Is it pumpkin pie or? It's a chocolate marshmallow pie. Chocolate marshmallow pie, wow. Look at it, look at the shape. It looks amazing actually. Amma, look. It looks perfectly delicious. Try to get out of its wrapper so we can eat it like that. संतोष इधर एकदम मस्त चाय बना दिया, थैंक यू। बाहर ने इतना ठंड था, जब मैं खुशी को वेट कर रहे थे ना, तब मैं पुराना कमेंट सब पढ़ रहे थे, तब उसमें एक कमेंट आया, पता नहीं आपने पढ़ा है मालूम नहीं, जब आपका कोरोना हुआ ना पहले, तब मैं ये टैप से है ना पानी आपको पकड़ कर दे रहे थे, तब मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने बोला दिया तुमने, मेरे को लगा तुमने कप में लिए, जो भी हो हाथ में पकड़ के दिया पोड़ पहले खा लेते हैं फिर बाद में बताते हैं। Okay, ये ले लेते हैं, वो छटा तुम खा लो, ये ले लो अभी थोड़ा ले लो। आप बताती हूँ, जब मैं संतोष को ये टैप से पानी दे तो आप लोगों से बोला, बहुत सारे लोग बोला मंजू ऐसे टैप वाटर मत दे दो, मैं हमेशा क्या करती है इससे गर्म पानी लेती हूँ, फिर मिनरल वाटर का बोतल होना उसे ठंडा पानी डालकर मिक्स करके संतोष को दे देते थे सुबह, उसके बाद फिर बॉइल कर लेते थे। ये जो टैप है ना ये क्विकर का, इसमें क्या है कि ये 100 degree वाटर ये बॉइल करके आता है इसमें, तो ये स्पेशल एक टैप है। ये जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, सो ये टैप, इस टैप का जो फीचर है उसका एक फीचर ये है कि ये बॉइल्ड वाटर देता है, इस ये नॉर्मल हीटिंग वाटर का जो अलग टैप है, देखो यहाँ पे देखो, ये अलग है, यहाँ से नहीं लिया उसने अंजू ने, ये यहाँ से लेती है, विच गिव्स अस 100 degree डॉट वाटर जो आप बॉइल्ड वाटर देता है एकदम बॉइल्ड, तो वो आप खाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। हाँ वो एक चीज है, फिर है ना अभी हम लोग हर दिन किचन में यूज करते ना कुछ ना कुछ नया
वेट सरप्राइज है। जब संतोष इधर घर देखने के लिए आया तो है ना, संतोष ने उधर से ऐसे किचन देखा, हाँ बोला है बहुत स्टाइलिश किचन है, तुमको पसंद आएगा। फिर मैंने भी फेस टाइम करके देखा तो अच्छा लगा है। फिर मैं जब आ गया तो जो भी देखा है आप लोगों के साथ शेयर किया है ना। हाँ, इतना मैंने ध्यान नहीं दिया कि कौन सा आइटम किस कंपनी का है वगैरह वगैरह। हाँ, लेकिन बाद में आके देखा तो बहुत अच्छा आइटम है एक्चुअली। बाद में आकर देखा तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा। हाँ, अच्छा क्वालिटी का सारा। हाँ, हाँ, पूरा पूरा किचन ही सीमेंस का किचन है। किचन नहीं, पूरा घर में है ना, उन्होंने जो भी रखा है ना एकदम अच्छा क्वालिटी का रखा है। फिर बहुत सारे लोगों ने पूछा कर्टन के बारे में, कर्टन सब है ना उन्होंने ही दिया है। कर्टन क्या है, लॉन मूवर, ये टाप का कुछ तो क्या बोलते हैं होर्स, वो सब है ना उन्होंने देकर रखा है। हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा कुछ खरीदने का, सिर्फ फर्नीचर ले लो उतना ही है ना। किचन का मैं दिखाती हूँ, इधर से शुरू कर लेते हैं। मैंने तो आप लोगों को डिशवाशर दिखाया, लेकिन ये डिशवाशर है ना, मैं ऐसा डिशवाशर पहली बार देख रहे हैं। वो क्या है बुलाती है? पुशी। हाँ, देख रहे, ऐसे टच कर ओपन होता है। और पहले मैंने सोचा था देखो ये दो ड्रॉयर ही है, हा? फिर उसके बाद पता चला इसके ऊपर एक और है स्पून का। ये भी बहुत सारा डिशवाशर में होता है। अब एक दूसरा ये दिखाती हूँ, देखो ये ऑन किया तो चले, देखो इसके अंदर भी लाइट है। ये बंद किया तो देखो नीचे क्या आ गया, कितना टाइम तक चल रहा है, इसके अंदर क्या क्या चल रहा है, सब पिक्चर्स है ना इधर आ जाएगा धीरे धीरे। मालूम पड़ेगा कब कितने टाइम में खत्म हो रहा है, कब खत्म होगा वॉशिंग। हाँ, सब क्लियरली मालूम पड़ेगा कि क्या चल रहा है। हाँ, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मैच। मैंने ये चीज है ना, बच्चे लोग को मुझे सरप्राइज दिखाना था, लेकिन संतोष ने वो पोपट कर दिया। संतोष ने एक्साइटमेंट में उनको बुलाकर सब दिखा दिया, सब दिखा दिया। और फिर जब से ये भी बताया ना ग्राइंडर के बारे में, हाँ वो सब पहले बताया था, वो इधर ना फूड क्रश करता है। हाँ, वो सब हम लोग को मालूम भी नहीं था, ये सब इंक्लूडेड है, वो भी है। फिर जब से हम लोग इधर आया तब से हम लोग ये सोच रहे ये लाइट ये क्या है, ये लाइट्स। हाँ देखो ये लाइट्स क्या है, पूरा किचन में हम लोग ढूंढा उसका स्विच बल्ब। हाँ, स्विच, सॉरी, हाँ, स्विच नहीं था, नहीं मिल रहे थे। फिर एक दिन मैं ऐसे मतलब चाय बना रहे थे, तब चाय पत्ती ले रहे थे ना, सडनली इधर लाइट आ गया। वो खुशी दिखाएंगे, लाइट आ गया। और मैंने वो भी है ना सरप्राइज में रखा था, मतलब आपके सामने है ना संतोष का ये दिखाने, मतलब क्या बोलते हैं एक्साइटमेंट दिखाने के लिए। लेकिन कोरोना के टाइम में वो भी संतोष ने देख लिया, क्योंकि गलती से मेरा हाथ उधर, लेकिन अभी भी हम लोग को नहीं मालूम है ये कैसे ऑन करना है। वो है पता है, अब मालूम है कैसे मालूम वो उधर है, सेंसर है, सेंसर है। लेकिन अभी दिखा, खुशी विल शो। हाँ, खुशी शो। देखो ये लाइट आ गया, उधर भी आ गया। हाँ, खुशी का स्टाइल देखा ना आपने। हाँ, हाँ। अभी खुशी बंद करके दिखाओगे? नहीं। जो स्टाइल देखा हमारा, हमारे पूरा बैलरीना बन गया। हाँ, नहीं आया। नहीं आया। हाँ, आया, आया, आया। अभी ऑफ कर लो। प्लेट्स गरम करके रख सकते हो, या फिर अगर बाहर से कुछ फूड है थोड़ी देर ज्यादा गरम करके रखना है, फिर डीप फ्रोस्ट करने के लिए। डीप फ्रोस्ट नहीं, ओके। हाँ, मतलब अभी और क्या क्या है हम लोग को मालूम नहीं किचन में, तो धीरे धीरे हम लोग सीख रहे हैं क्या क्या है। और क्या था, और एक कुछ तो था ना, और मेरे को पता नहीं है। कुछ तो
तो वो चुंगसी का मतलब वो रूम में था, मतलब ऐसे हर दिन है ना गलती से हम लोग से गलती से कुछ सीख रहे हम लोग। लेकिन ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगा है फिर वो डिशवाशर का, बहुत अच्छा लगा। ये मुझे कब से मैं सोच रही आप लोगों को दिखाना है लेकिन भूल जाती हूँ हमेशा। और चुंसी को भी देखा ना, आज का चुंसी का स्टाइल है मेरा कपड़ा पहन के स्कूल जाना वर्डन का एंडर तुम्हें ना रहते के नहीं नहीं वो खोल दिया। आज क्रिसमस डे जंपर पहना था, मेरा जंपर पहन के गया है ना Oh my goodness. चोरी कर चुंसी का ही है वो, तुम्हारा वो दिखा वो दिखा वो अच्छा है वो अच्छा है शो करो दैट रिंग आई थिंक आई लाइक दैट वन एक्चुअली हाँ वो अच्छा रिंग है दिखा दो दिस वन इज 60p इट्स जस्ट फुल ब्लैक ये एकदम जस्ट अ प्लेन है उसमें थोड़ा सा डिटेलिंग द रोमन न्यूमरल्स हाँ इसमें कुछ डिटेलिंग किया हुआ है इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को लेकिन एक पाउंड में ठीक है £1 में इट्स वर्थ इट वही अभी बच्चे बड़ा हो गया तो ना मुझे कुछ ज्वेलरी खरीदने की जरूरत ही नहीं है चुंसी के रूम में जाओ उधर से भी मिलेगा खुशी का भी मिलेगा आप लोगों से बहुत सारे लोग शिकायत है चुंसी को नहीं देख रहे देखो चुंसी को भी दिखाया है ना कोई चेंजेस नहीं है उसका बाल सिर्फ बढ़ रहा वो ही है अभी ठीक है आज का व्लॉग इधर एंड कर लेते हैं आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा पसंद आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज सब्सक्राइब करना भूलना नहीं प्लीज सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय।